हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेडलाइन न्यूज के लिए हमारे साथ तावुन किया है रिंस चॉकलेट बिस्किट्स, आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। जरदारी साहब से मिलने के लिए कोई बेताबी नहीं है। जरदारी साहब कोई लड्डू थोड़ी बांटते हैं, वो जो लड्डू बांटते हैं वो सबको पता, हमें वो लड्डू नहीं चाहिए। जरदारी साहब के लड्डू वही लोग खा सकते हैं जिनका हाजमा तुम जैसा। नवाज शरीफ को जरदारी से मुलाकात ना कर मशवरा दिया गया। निजी रहनुमा साद रफीक का एतराफ, कहा नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से मिलने के लिए बेताब नहीं, जरदारी साहब कोई लड्डू नहीं बेचते। जरदारी साहब सियासत के आइंस्टाइन समझे जाते हैं, मगर वो किसी नामालूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मर्दमशुमारी पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रवैये को मुश्तबा करार दे दिया। कहा जो आदमी जलसा कर रहा है उसे बहुत जल्दी है। सियासी जमातें बरवक्त आम इंतखाबात की राह में रुकावट ना बने। जरदारी साहब और जलसे करने वाले मर्दमशुमारी के बारे में हमसे बात करें। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में स्पीकर अयाज सादिक और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक। राब्ता मुहिम का आगाज 12 नवंबर को एबटाबाद के जलसे से किया जाएगा। फंस गई है, आए रोज फाटा से मुतालिक फैसले तब्दील किए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहा मदारिस के बारे में हुकूमत की पॉलिसी दोगली है। To what the establishment wants the state to be. Similarly, the 18th Amendment is an antithesis to what the establishment wants the state to be. आइन तोड़ने से फरार हो गया, उसे रियासत अदालत में नहीं ला सकी। हमें तय करना होगा पार्लियामेंट सुप्रीम है या कोई और। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत की आईन में कोई गुंजाइश नहीं। गैर आईनी अमल की बात सुनता हूं तो दिल होता है। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। आईन तोड़ने वाले साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ का जुर्म नाकाबले माफी है। नईम उल हक की आज न्यूज के प्रोग्राम जीफ और फरीदा में गुफ्तगू, कहा मुशर्रफ को सजा ना देने के जिम्मेदार भी नवाज शरीफ ही हैं। चोरी शुदा और छीनी गई गाड़ियां जराइम पेशा अनासर इस्तेमाल करते हैं। कराची से कार चोर बैनर सूबाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। छीनी गई 51 गाड़ियां बरामद कर चुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू में ना आ सका। अजीजाबाद में लुटेरों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 3 नौजवान घर के दरवाजे पर लुट गए। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान साफ नजर आ गए, लेकिन पुलिस ताहाल किसी को गिरफ्तार ना कर सकी। पिशावर में पुलिस का छापा, कलजन तंजीम के 3 कारिंदों को धर लिया गया। पूछगछ के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। पंजाब में आलूदा धुंध ने रास्ते आज भी धुंधला दिए। मोटरवे M3 और M2 ट्रैफिक के लिए बंद रहा। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर का शिकार हुई। ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जां बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। आइंदा चंद वक़्त में धुंध की शिद्दत बढ़ेगी, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात। स्मॉग के बाइस पंजाब में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द सर बन गई। सख्त अजियत में मुब्तला, सूबे में बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी। लोड शेडिंग 0 हो चुकी, वजारत पानी। पंजाब फूड अथॉरिटी का सरगोधा में जाली फैक्ट्री पर छापा। 17,000 किलो नाकिस मिर्च और 9,000 किलो हल्दी जब्त कर ली गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला ना थम सका। जिला कपवाड़ा में काबिज फौज ने नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर
नौजवान को शहीद कर दिया। अमरीकी सदर और अहलिया का हवाई में पर्ल हार्बर मेमोरियल का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप पहले 11 रोज दौरा एशिया में जापान, चीन, वियतनाम, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। स्पेन की अदालत ने कतालोनिया के माजूल सदर और उनके 4 वज़रा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। माजूल सदर